नमस्कार छात्रों, आज का हमारा हिंदी का विषय है कक्षा 12 का पतंग, जिसके लेखक आलोक धनवा जी हैं। पतंग आलोक धनवा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उन्होंने अपने ढंग, अपने पतंग मतलब पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल मतलब छोटे छोटे बालकों के क्रियाकलाप एवं प्रकृति के में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करते हुए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है इस कविता में उन्होंने। पतंग बच्चों की उमंगों को रंग बिरंगे मतलब पतंग से उनके जो रंग बिरंगे सपने हैं, अरमानों में उड़ती हुई उनकी पतंगों की ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालपन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है, मतलब जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब पेंगे लगाते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि वो उनकी पतंग आसमान को छुए, और वो इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आसमान को छूने के बजाय वो आसमान से परे उस एक दूसरे गगन को छूना चाहते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगे की ऊंचाइयों को वे मतलब जो आसमान में जो पतंगे उड़ती हैं उसकी ऊंचाइयों की वो हदें पार करना चाहते हैं। बालपन जिन्हें छूना चाहता है उसके पार जाना चाहता है। भादो महीने में तेज बारिश होती है, और जब भादो का मौसम बरसात का मौसम चला गया, उसके बाद जो मौसम आया, अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद ऋतु का मौसम जो है, खरगोश की आंख की जो लालिमा है वैसा सवेरा होता है। यहाँ बिंबों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा शरद ऋतु, लाल सुबह आ चुकी है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे नई चमकीली साइकिल से की गई है। जब सुबह का सवेरा हुआ, लालिमा खरगोश की आंखों की जो अंदर की लाल होती है वैसी लालिमा हो रही है, और जब नई नवेली चमकीली साइकिल आती है तो वो कितना शाइन करती है, कितना चमकती है, वैसी क्या नाम चमक हो रही है सुबह में। जो घंटी बजाते हुए चले जा रहा है कभी, कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों का रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर ये भय खत्म हो जाता है, उस पर बच्चे विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने शरीर में एक ऐसा बैलेंस बना लेते हैं कि अगर वो छत पतंग को देख रहे हैं और पतंग को पकड़ते पकड़ते वो किसी छत के कोने से गिरते भी हैं, तो उनका अब शरीर ऐसा हो गया कि वो उसको संभाल लेते हैं, और अगर कभी गिर भी जाते हैं तो गिर के उठ भी जाते हैं, छोटी मोटी चोटें लग भी जाती हैं, और फिर आगे वो सतर्क हो जाते हैं उसके लिए। और पृथ्वी का हर कोना, जो हमारी गोलमंडल की पृथ्वी है, उसका हर कोना वो बच्चों के पैरों के नीचे आना चाहता है। वो छोटे छोटे कपास के जो फूल होते हैं कितने मुलायम होते हैं, वैसे उनके पैर हैं, तो ये पृथ्वी का पूरा जो गोलमंडल है उनके पैरों के नीचे उनके पैरों का स्पर्श पाना चाहता है। पतंग उड़ाने में तल्लीन रहते हैं बच्चे, वे छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तो उनकी निर्भरता मतलब उनको फिर बह नहीं, किसी भी चीज का भय नहीं रहता है, निर्भय हो जाते हैं और अधिक बढ़ जाती है उनकी निर्भयता, और अधिक बढ़ जाती है उनको किसी चीज़ का भय नहीं रहता। जब एक बार भय आपको खत्म हो जाता है तो आप निर्भय हो जाते हो, फिर आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। जिसे सूरज के सामने सीना तानकर पतंग उड़ाते हैं, पृथ्वी बच्चों की ईद गीत घूमती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी हमारा गोल मंडल है वो भी चाहती है कि इनके पैरों के नीचे आए। वास्तव में बच्चे पतंगों के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और स्वयं पतंग के समान बन गए हैं। वे हर बारी नए नए पतंगों से सबसे ऊंचे उड़ाने का हौसला लिए
फिर भादो भादो के बाद शरद ऋतु का प्रतीक्षा करते हैं। बच्चे जो है निर्भय हो गए हैं, पूरी पृथ्वी का जो गोल मंडल है उसका हर कोना उनके पैरों के नीचे आना चाहता है। खरगोश की लाली माँ जैसी लाल है और मेरी नई साइकिल जो है उसके जैसे चमकीली सुबह है। तो इन सारे बिंबों का उदाहरण लेके आलोक धनवा जी ने पतंग कविता को बहुत ही खूबसूरती से रचा है। पतंग मैं आपको इसकी कुछ इसकी पंक्तियां आपको बताती हूँ। सबसे तेज बुछारे गही भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद ऋतु आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की है पतंग और सबसे रंगीन है, रंग बिरंगी पतंग जब आकाश में उड़ती है तो आपको लगता है कितनी हल्की चीज उड़ रही है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तितलियां की इतनी नाजुक दुनिया। मैंने आपको भावार्थ में बताया ही है इन पंक्तियों का आशय। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं कपास? जन्म से ही बच्चे बालक छोटे छोटे बालक। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के नीचे। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत। पतंगों की उड़ती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने वृंदों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तक वे और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कविता की पंक्तियां और जो कविता का मैंने पहले सार बताया है उसका अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भावा बहुत ही सरल है। बिंबों से इसको बांधा गया है, मानवीकरण अलंकार इसमें लिया गया है, कविता को बहुत अच्छे से एकाग्रित करके आपके सामने पेश किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको इसका भावार्थ पसंद आए। नमस्कार।